ऐसा होता नहीं है वो सडनली भेज दे जाता कहीं जगहों पे ट्रैवल करते हैं आधा घंटा मिलता है करीब पाँच मिनट का ठीक है <coughs> नहीं मैं मेरे अपने अपने तरीके से उसको कवर करूँगा फिर भी बता दीजिए ना नहीं मैं नहीं ठीक है मत बताइए ठीक है हटाओ सो so फ्रेंड्स मैंने बोला था एक खूबसूरत सिर्फ तो चाचा फिर से रिटेक खूबसूरत क्या होता है सो so फ्रेंड्स इतनी अच्छी स्टार कास्ट है सर का मैंने इंटरव्यू लिया उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका ये शो करके अब एक और जो एक और, एक और, एक और सीट यार है ये खड़े होकर ले लो ना सब बैठ के क्यों ले रहे हो आप चलो ठीक है सॉरी ऐसे वही नहीं बनता ऐसा लगता है कि मैं कोई दूरदर्शन का को शो कर रहा हूँ सो फ्रेंड्स फाइनली हमारे साथ है रिया सक्सेना जी तो मैम वेलकम है आपका इंदौर में और हमारे शो पर मैम जी थैंक यू सो मच और रिया माथुर है सॉरी मैम इसमें रिया सक्सेना इस लिखा to, हो रही बोलना है, प्यार है रिया माथुर जी तो मैम वेलकम है आपका इंदौर में हमारे शो पे थैंक यू सो मच मैम फर्स्टली हमें बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपकी जर्नी का इंदौर के बारे में Uh, बहुत अच्छा रहा जब से हम आए तब से काम ही कर रहे हैं तब से इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूज दे रहे हैं आप भी इंदौर एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला पर हाँ बहुत बहुत अच्छी सिटी है जितना भी देखा जी हमारे इंदौर फूड कैपिटल है पूरे एमपी का चलिए खाने पीने की बात तो हम इंदौर ही करते रहते हैं अब मूव ऑन होते हैं आपके जो सीरियल जो अब आ रहा है तो मैम मेरे अंगनी में इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि हम डेली सोप में रोज़ देखते हैं सास बहू की लड़ाई झगड़ा फसाद एंड ऑल दैट कि वो तीन तीन बार ठा 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 तीन तीन चार चार आवाज़ें हमें सुनाई देती है वही एक्सप्रेशन और वही सब खिचड़ी से हट के क्या हमें, हमें देखने को मिलेगा पहले तो आपको तीन बार ठा 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 नहीं दिखाई देगा और सास बहू का क्लैश भी नहीं दिखाई देगा आपको इसमें क्लैश दिखाई देगा थिंकिंग का कि एक दो लेडीज़ डिफरेंट जनरेशन की डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड की कैसे डिफरेंटली सोचती है तो हम जो बेसिक प्लॉट है वो ये है कि एक औरत जो डोमिनेट करना चाहती है और एक औरत जो इक्वालिटी में बिलीव करती है कैसे वो आमने सामने आते हैं और कैसे अपना पॉइंट रखते हैं और कैसे मतलब आपस में एक दूसरे को वो चाहती हैं कि नहीं मैं डोमिनेट करूँ ये चाहती है नहीं हम सब खुल जाएं हमारी पूरी फैमिली में हर कोई बोले हर किसी को इम्पोर्टेंस मिले तो कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती हैं बनती हैं और ग्रो करती हैं सो मैम okay. इसमें आपके अगेंस्ट कृतिका देसाई जी हैं मतलब बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली क्योंकि कृतिका देसाई जी को हमने पहले भी कई सारे रोल्स में देखा है और जब वो जो गांव वाली महिला का जब वो किरदार करते हैं तो फिर तो बाबा मैं भी उनके आगे हाथ जोड़ता हूं तो कैसे आप उन्हें टैकल कर रहे हैं इस पूरे शो में अभी फिलहाल तो मुझे उनको टैकल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ रही क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है फिलहाल बट ये आगे आप जरूर देखोगे कि हम दोनों कैसे आमने सामने आते हैं कैसे हमारी विचारों की लड़ाई होती है और कैसे हम एक दूसरे को समझते हैं ना समझते हुए भी समझ कर आगे बढ़ते हैं okay. और मैम इस पूरे शो में में अग, में कार्यक्रम अगेंस्ट कृतिका देसाई जी के यानी वो सब पे रूल करना चाहते हैं हिटलर बनना चाहते हैं बट मैम जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से बाकी सबको मैनेज कर रहे हैं हैंडल कर रहे हैं इक्वलिटी कर रहे हैं सब मैं तो बहुत ही अच्छा मैसेज है सो मैम मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे कृतिका कृतिका देसाई जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कृतिका मैम के साथ इनफैक्ट पूरी टीम के साथ एक्चुअली ये होता है कि जब आप उनके साथ सीन करते हो ना तो ऐसा लगता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो इतना एक्सपीरियंस होता है ना उनके पास इतना ज्ञान होता है और इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है कि वो ना एक रियलिटी लगने लगता है ऐसा लगता है कि आप जी रहे हो उस मोमेंट को तो हम जो भी करते हैं ना तो वो बहुत नेचुरल होता है वो एवरीथिंग इज़ जस्ट गिवेंट टेक गिवेंट टेक बहुत मज़ा आता है उन सबके साथ काम करने में और मैम मुझे बताइए कि फर्स्ट बार ऐसा होगा कि वन हार का कोई शो वो भी साढ़े पाँच से साढ़े छः के स्लॉट में कैसा मतलब क्या थिंक थी इसके पीछे क्या सोच थी

अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप में पैशन है तो प्लीज़ उस पैशन को जगाइए मेहनत कीजिए ऑडिशन दीजिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको काम मिलेगा ऐसा मेहनत जो नहीं करते उनके लिए तो मैं कुछ नहीं भूलूँगी जो मेहनत करते हैं डेफिनेटली बॉम्बे में आके या पूरे दुनिया में यार आपके लिए चांस है यू कैन जस्ट डू एनी यू वॉन्ट टू इट ओनली योर पैशन एंड हार्ड वर्क पेस ऑफ सो मैम ने बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात रखी कि रग हौसला तो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समुंदर भी आएगा मंजिल की फिक्र ना कर ए मंजिल के मुसाफिर तू बस प्रयत्न कर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा तो so, मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स